हाय एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड टूडेज टॉपिक इन टू द पॉइंट सीरीज इज लंपी स्किन डिजीज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ व्हाई इट इज बीइंग फीचर्ड इन टू द पॉइंट सीरीज दिस टॉपिक होल्ड इम्पॉर्टेंस बिकॉज रिसेंटली गुजरात के अंदर देर वॉज दिस न्यूज़ कि जहाँ पे मोर देन फिफ्टीन कैटल डाइड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वायरस एंड इन एन एग्रीकल्चर स्टेट लाइक इंडिया जहाँ पे मैक्सिमम लोग इंप्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंडर सो so वहाँ पे ऐसे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ पे हमें देखना होता है कि यार फार्मर की इनकम्स को किन किन चीज़ों ने जो है वो इफेक्ट किया है सो टू द पॉइंट सीरीज के अंडर आज हम लंपी स्किन डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं इफ़ यू वॉन्ट टू कवर कंप्लीट करंट अफेयर्स प्री एंड मेन्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जिसके अंदर एनालिसिस भी इंक्लूडेड हो और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ कवर हो जाए सो फॉर दैट देर इज़ एन ऑन कोर्स एट अभीमन यू आई ए एस यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और वहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड के अंदर ये पूरा कोर्स जो है आपको अवेलेबल है मूविंग फॉरवर्ड आज के टॉपिक के अंदर दैट इज लंपी स्किन डिजीज नॉट दिस लंपी स्किन डिजीज इज इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाई अ वायरस ऑफ द फैमिली पॉक्स पीरियडे आपको ये पॉक्स पीरिडे जो नाम है वो आपको याद रखना है विच इज ऑल्सो नोन एज नीदलिंग वायरस अगेन ऑप्शन के अंदर आपको दोनों में से कुछ भी एक चीज जो है वो मैंशन uh, होगी और इन केस दैट क्वेश्चन कम्स तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल की ये पॉक्स ब्रिडे फैमिली से आता है नीदलिंग वायरस इसका नाम है नो अबाउट वायरस लंपी स्किन डिजीज इट इज अ डबल स्ट्रेंडेड डी एन ए वायरस याद रखने वाली चीज है बेसिकली जो इसका वायरस है दैट इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस यहाँ पे थोड़ी सी अगर गेम यूपीएससी घुमाना चाहे तो यहां पे घुमा सकता है बट चांसेस कम है कि इसको कुछ भी फेक और करा जा सकता है मूविंग फॉरवर्ड एल एस डी एल एस डी वी वॉट कैटल एंड जीबूज मेनली इफेक्ट्स ओनली नी मेनली बट हैज ऑल्सो बीन सीन इन जिराफ्स वाटर बफलो एंड इम्पाल अगेन दिस स्टेटमेंट के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें हैं जो एलिमिनेट कर सकते हैं डिपेंड करते हैं अभी हम आने वाले स्लाइड्स uh, के अंदर क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसके अंदर हम इन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं अगेन दिस जो ये न्यूज है इट केम आउट इन जुलाई सो गुजरात एंड जुलाई सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रेलिवेंट दैट आउटब्रेक्स ऑफ एल आर एसोसिएटेड विद वॉट हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी मेक सेंस कि इसकी टाइम लाइन और ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट कोहेरेंस में है एसिड डिजीज के अंदर वी हैव टू ऑलसो सी कि की स्प्रेड कैसे होती है वॉट इज द दैक्टर एसोसिएटेड दैट इज ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स कौन से मॉस्किटोज एंड फ्लाइज सो दैट इज द दैक्टर मैकेनिकल वैक्टर्स जो इसके अंदर एक्ट करते हैं मतलब यहां से सक करके दूसरे में कैटल के अंदर ऐसे जाता है अगेन अ फैक्चुअल स्टेटमेंट सम वॉट रेलिवेंट बट इट इज गुड टू नो अगर हमें टॉपिक कवर कर रहे हैं तो ये टू द पॉइंट में इसको भी हम टू द पॉइंट कवर कर सकते हैं दैट इज कि सिंस इट्स फर्स्ट आउटब्रेक कब हुआ अफ्रीका 1928 ट्वेंटी एट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है अफ्रीका भी इंपॉर्टेंट नहीं है नो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ एल एस डी टू ह्यूम हैव बिन रिपोर्टेड ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे दे कि जस्ट लाइक स्वाइन फ्लू ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट सो so, अभी तक इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आया दैट आयास ये स्टेटमेंट हमारे लिए फॉल्स हो जाएगी कि को इफेक्ट कर सकता है या नहीं तो हम बोलेंगे नहीं अगेन अ फैक्चुअल स्टेटमेंट आखिरी वाली गुड टू नो अगर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इस टाइप की स्टेटमेंट अगर हमें पता हो तो गुड है एफ एओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू देम की मोर्टेलिटी रेट इट इज लेस देन टेन परसेंट मतलब अगर सौ कैटल बीमार हो रही है इससे सौ जानवर बीमार हो रहा है तो लेस देन दस उसमें से मरेंगे स्टेटमेंट का मतलब वो है प्रॉबिबिलिटी ऑफ डाइंग इज लेस टेन परसेंट डाइंगसेंट दिस इज हाउ द कैटल लुक्स लाइक ये परमानेंट प्रोजेक्शन जो है परमानेंट स्किन डिफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है इस डिजीज पर्टिकुलर डिजीज के अंडर देखिए एक तो अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें पहला तो यही है कि स्किन के ऊपर प्रोजेक्शन एनिमल बहुत अन में रहता है एंड देर इज़ डिक्रीज प्रोडक्टिविटी मिल्क प्रोडक्शन इसके अलावा जो कैटल की कॉस्ट है अब सारी जो uh, कमाई है डायरेक्ट uh, एग्रीकल्चर के थ्रू वो सारी सिर्फ आपके जानवर से नहीं आती है मिल्क से नहीं आती है बट इट कम्स फ्रॉम कि आप जब खरीद फ़रोख करते हो पूरे जानवर की कैटल को बेचना खरीदना तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो भी कम आती है वैन वी से कि इकोनॉमिक इफेक्ट इस वायरस का क्या है सो अदर देन कि इसके अंदर एनिमल की जो मिल्क uh, प्रोडक्शन है वो कम हो गई है एनिमल अनईज में है इट इज़ की एनिमल की ओवरऑल वैल्यू ही कम हो गई है दैट इज़ वाई इट बिकम्स रेलिवेंट और इसके जो रेलिवेंस में थी दैट द वायरस बिकेम रेलिवेंट और कहाँ कहाँ पे होता है दैट बिकेम रेलिवेंट वन मोर थिंग जो हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि एज इट इज एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी वी कैन प्रिडिक्ट कि ये कहाँ कहाँ इंडिया में कौन सी कौन सी स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है राइट right? जहां जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर वाला आपको आपको, आपको मौसम दिखेगा सो वहाँ वहां पे ये वाला वायरस हो सकता है इनफैक्ट अब आप पूरे वर्ल्ड का प्रिडिक्ट कर सकते हो टूड्रा वाला रीजन हटा देंगे कि वहाँ नहीं होगा सो so, उस सेंस में वी कैन मेक क्रॉस कनेक्शन ऑन आर ओन लेटेस्ट सी कि इसके जो प्रॉबेबल क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं हमने यहां क्या करना है सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्ट दे दिए लंपी स्किन डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज नंबर वन स्टेटमेंट इज इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज मेनली फाउंड इन द कैटल देखो मेनली फाउंड इन कैटल स्टेटमेंट सही है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बैक्टीरियल डिजीज ये नहीं है सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सही है ट्रांसमिट थ्रू मैकेनिकल फैक्टर्स लाइक मॉस्किटो सही है तो आंसर बिकम्स थ्री देखो अगर आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी रही और लड्डू खाने को मिल गया क्योंकि आपने पढ़ रखा है लंपी स्किन डिजीज़ अगर आपको लड्डू खाने को मिल गया लड्डू क्या है लंपी स्किन डिजीज रिसेंटली न्यूज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय तो यू you नो know कि ये वायरस है ना सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है ये तंग करते हैं यू में इसका नहीं अगर नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में तो नहीं पता राइट फॉर दैट दिस सीरीज बिकम्स रेलीवेंट तो वहाँ पे इस सीरीज के अंदर हम यही सब कवर करने वाले हैं

डायरेक्ट कंजम्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और तीसरी स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं यहां पर क्या गड़बड़ है ओनली ओनली फाउंड इन द केटल बट हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में देखा था कि जिराफ्स वाटर बफलोस के अंदर भी यह पाया जाता है थर्ड स्टेटमेंट इट ट्रांसमिट थ्रू डायरेक्ट कंस डायरेक्ट कंसम्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वॉटर नहीं वेक्टर बेस्ड डिजीज है ब्लड सकिंग ब्लड फीडिंग इंसेक्ट के थ्रू यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट सो हमारा आंसर बनता है फोर्थ टू ओनली आई होप जिन्होंने पॉज करके आंसर देखा आपका सही हुआ होगा सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग